वंदे उद्धवनाथं विधिहरिशिवं श्रोत्रियं ब्रह्मनिष्ठं दुर्गापुत्रं प्रशान्तं विमलपतिं दत्तसत्यं तत्पुत्रं योगनिष्ठं सुरासुरगणैः पूजितं शुद्धसत्त्वम् अवधूतानन्दवर्यं परावतारचरितं श्रीमोहनं उद्धवनाथ समारंभां दत्तात्रेय च मध्यमां मोहनावधूतपर्यन्तां वंदे गुरु परम वंदेहं करुणावरं श्रीमोहनचिन्तये विश्वाधार जगाधार भवव्याधि विनाशकाः रंगस्वरूप श्रीरंग मोहनं प्रणमाम्यहम् नीलांबुजश्यामलको सीता समारोपित वाम भागं पाणौ महासायक चारु चापं नमामि रामं रघुवंशना कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतांबरे वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो
सीताराम 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 जय
सखा रामचंद्र सर्वस्वम में रामचंद्रोदया नाना पुराण निगमागम सम्मतम् रामायणे निगदिता क्वचिदन्यतो स्वांतसुखाय तुलसी रघुनाथ का भाषा निबंध मति मंजुल मातनों की बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की बोलिए श्री अवध बिहारी लाल की बोलिए श्री जानकी वल्लभ लाल की बोलिए पवन सुत हनुमान जी महाराज की बोलिए सदगुरुदेव भगवान की बोलिए श्रीमद रामचरित मानस की बोलिए गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की ओम नमः पार्वती पतये हर हर बलि बांधत प्रभु बाढ़े हूँ सोतन बरने न जाए उभय गरी महदीनी सात प्रदक्षिण पाए। इस पर विचार विमर्श आरंभ हुआ। सब लोग विचार करने लगे कौन जाएगा, सबके नंबर लगाए गए, आइए आप आइए। एक जन आया, बोले कितना जोजन जा सकते हो, बोले दो जोजन, बोले बाजू हो जाओ। दूसरा आया, बोले कितना जोजन उड़ सकते हो, बोले पांच जोजन, बोले नहीं नहीं दूर हो जाओ। एक आया, बोले कितना जोजन, बोले चालीस जोजन, बोले नहीं तुम भी हमारे काम के नहीं हो, निकल जाओ। एक और आया, बोले सत्तर जोजन, बोले नहीं तुम भी हमारे काम के नहीं हो। एक और आया, वो कहने लगा नब्बे जोजन, बोले देखो सौ जोजन, थोड़ा और जोर लगाओ, सौ जोजन तो है ही, बोले नहीं नब्बे जोजन मेरी सीमा है उसके ऊपर। और वास्तव में हम आपसे कहें, हमारी जो सीमा हो सीमा का अतिक्रमण न किया जाए तो मनुष्य वास्तविक स्वरूप को प्राप्त कर सकता है। सीमा न छोड़ी जाए, जो अधिकार हम में नहीं है उसका अधिकारी मनुष्य ने कभी बनना नहीं चाहिए, नहीं तो पतन हो जाएगा। जो अधिकार जिस व्यक्ति में नहीं है वो व्यक्ति उस अधिकार का कार्य करेगा तो उसका पतन हो जाता है। देखिए सब लोग सब कार्य नहीं कर सकते ना, सब लोग सब कार्य नहीं कर सकते हैं, जरूरी नहीं है, सबका अपना अपना एक एक क्षेत्र है। पर उन्होंने वो विस्तृत रूप से कबूल किया कि हम नहीं जा सकते हैं। और जय रघुनंदन जय सियाराम कहे वीरपति सुन हनुमाना, काचुक साधी रहे उ बलवाना, जय रघुनंदन जय सियाराम पवन सनय
बल पवन सुहाना, बुद्धि विवेक विज्ञान निधाना, पवन सुकाज कठिन जगमानी, जो तुमसे नहीं जात है पानी, राम काज लगे तब जी बोले कहीं हनुमान। हनुमान जी सुनी बोले क्या आप चुप क्यों हैं? का चुप साथ रहे हो बलवाना? बोले आप बलवान हैं, बुद्धि विवेक के निधान हैं, नाथ आप क्यों मौन हैं? हनुमान जी फिर भी कुछ नहीं बोले। तब जामवंत जी ने हाथ जोड़कर कहा, कवन सुकाज कठिन जग माही, जगत में कोई ऐसा कार्य कठिन नहीं है जो जो नहीं हो तात तुम पाही। जामवंत जी बोले, हनुमान जी ऐसा कोई कार्य नहीं है जो आप नहीं कर सकते। संसार में कोई ऐसा काम बना ही नहीं है जो आप न कर पाए। हनुमान जी जागिए क्योंकि राम काज लगी तब अवतार। हे हनुमान जी, आपका अवतार हुआ है किसके लिए? राम काज, राम काज लगे तब अवतार। और इतना सुना हनुमान जी ने और तत्काल जैसे ही जामवंत जी ने कहा ना, राम काज लगी तब अवतारा, सुन सही भया हो पड़ता, सुन सही भया हो पड़ता, सुन सही भया कंचन वरण भगवान का तेज पुण्य हो गए श्री हनुमान जी महाराज। मान हूं पर गिर नहीं राजा, जैसे कोई बहुत बड़ा पर्वत हो ऐसी दिव्य राशि अपने शरीर की श्री हनुमान जी महाराज ने प्रस्तुत करी। सब वानर लोग पीछे हुए। गोस्वामी जी यहां से सुंदरकांड का आरंभ कर रहे हैं। तीन श्लोक, शांतम शाश्वतम अप्रमेय मनघम निर्वाण शांति प्रदम, पहले राम जी की स्तुति है और तीसरे श्लोक में श्री हनुमान जी महाराज की स्तुति है और स्तुति करने के बाद श्री गोस्वामी जी कह रहे हैं, जामवंत के वचन सुहाए, सिंधु तीर एक भूत सुंदर, सिंधु तीर एक भूत सुंदर, सुखपुरी चढ़ो तारो पर, सुखपुरी चढ़ो तारो पर। जामवंत के वचन सुहाए और सुनी हनुमंत हृदय अति भाए, तब लगी मोई पर खेव तुम भाई। एक ही बार में कह दिया, कुछ नहीं कहा बाकी का। सीधा हनुमान जी ने पहला वाक्य क्या कहा पता है? हनुमान जी बोले,
पर जामवंत जी जब तक मैं लौट कर नहीं आता तब तक आप सब यही रुकिए। सही दुख कंद मूल फल खाई, आप यही रहिए, थोड़ा दुख सहन कीजिए। भगवान के लिए थोड़ा दुख यदि सहन करना पड़े तो मनुष्य ने सबसे पहले दुख को चलना चाहिए। जामवंत जी थोड़ी देर यही बैठिए, मैं अभी गया। और रघुनाथ जी का नामोच्चारण करते हुए हनुमान जी उड़ पड़े समुद्र के ऊपर जा रहे हैं। बीच में मैनाक पर्वत को देवताओं के द्वारा भिजवाया गया। मैनाक ऊपर आए, मैनाक ने कहा हनुमान जी आप अब थक गए होंगे, थोड़ी देर विश्राम कर लीजिए। तो हनुमान जी बताए क्या कह रहे हैं, राम काज किए बिनु मोहि कहां विश्राम। मैं जब तक मेरे प्रभु का कार्य नहीं कर लेता तब तक अब मुझे विश्राम की आवश्यकता नहीं। मैनाक जी आप मेरे पिताजी के मित्र हैं, मैं आपको बारंबार प्रणाम करता हूँ। इस प्रकार हनुमान जी मैनाक के सामने से निकले हैं और देवताओं ने नाग माता सुरसा को भेजा है परीक्षा लेने के लिए कि वास्तव में बुद्धि विवेक विज्ञान के निधान है कि नहीं। हमारा कार्य करने के लिए इनका सबसे बड़ा योगदान होने वाला है तो क्या ये उस योग्य हैं? सुरसा जाइए और पता लगाइए। सुरसा ने अपना मुख खोला, हनुमान जी आए। सुरसा कहती आज सुरन मोहि दीन आहारा, आज मुझे देवताओं ने आहार प्रदान किया है इसलिए हनुमान चुपचाप इधर आ जाओ। हनुमान जी थोड़े खड़े हो गए, बोले माँ क्या इच्छा है? माँ कहा सोई सुरसा पिघल गई, पर परीक्षा लेना था कि वास्तव में श्री हनुमान जी महाराज बुद्धि विवेक के विधान है या नहीं। इसलिए जो जन भरते ही बदन पसारा, जो जन भरते ही बदन पसारा, जो जन भरते ही बदन पसारा, कपितन की नक गुण विस्तारा, 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 सोरह जो जन मुखते भयो, सोरह जो जन मुखते पवन सित बकुलिस भयो, तुरत पवन सित बकुलिस भयो, हे सत जो जन से नियानन के, सत जो जन से नियानन के ना, अखिल गुरु पवन सित सुरसा ने एक योजन मुख का विस्तार किया, हनुमान जी दुगुने हो गए। उसने 16 योजन, हनुमान जी 32 योजन करते 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 सुरसा ने अपना मुख 100 योजन का किया, लंका तक पूरा मुख कर लिया। और तुरंत पवन सुत एकदम लघु हो गए हनुमान जी महाराज, बिल्कुल छोटे से, और छोटे से होकर श्री हनुमान जी महाराज उसके मुख में गए और मुख से बाहर निकल आए। अब देखिए इतना बड़ा कोई मुख करे तो उसको बंद करने के लिए समय तो लगेगा ना। उतना देर में हनुमान जी सब घूम घुमा के बाहर बोले माँ मैंने तुम्हारी इच्छा पूर्ण कर दी, मैं तुम्हारा आहार बनकर वापस आ गया, अब मुझे जाने दो। सुरसा कहने लगी प्रभु आप धन्य हैं, आप वास्तव में भगवान का कार्य कर सकते हैं। माँ की विदा ताहि सिर नामा, हनुमान जी ने उसको प्रणाम किया और हनुमान जी आगे बढ़े हैं। उसके पश्चात उस सुरसा तो आशीर्वाद ही दे रही थी क्योंकि देवताओं की माता थी, नाग माता थी। उसने बार बार कहा राम काज सब करी हूं तुम बल बुद्धि निधान, आशीष दे गई सो हर शुचल हनुमान।
उसका उद्धार किया और हनुमान जी लंका पर पहुंचे। कनक कोट विचित्र सुंदराय चौहट हट सुबह चारुपुर बहु लंका नाम की राक्षसी थी जिसको ब्रह्मा जी का वरदान था और रावण ने वो असल में वहां की ग्राम देवता थी और रावण ने उसको पहरेदार बनाकर रखा था। तुम घुमा करो रात को। वो बोली हनुमान जी चोर ही मेरा आहार है, आप कहां जा रहे हैं आइए। हनुमान जी पहुंचे उसके पास। हनुमान जी को उसने जैसे ही देखा आक्रमण करने के लिए भागी। हनुमान जी बोले बोले ये हमको बहुत छोटा समझ रही है, इसको जरा विराट रूप दिखाना पड़ेगा। हनुमान जी विराट रूप में आए और मुट्ठी का एक महाकपिहारी, मुट्ठी का एक महाकपिहारी, रघुवीर मत धरनी हनुमान जी महाराज ने एक मुट्ठी दी और इतने जोर पर हनुमान जी ने उसको मारा एक ही बार में। रुधिर बमत धरनी धनमनी, और क्या कहते बताए, बोले प्रभु मैं समझ गई हूँ। ब्रह्मा जी ने मुझसे कहा था जब कोई वानर तुझे मारेगा तो समझ जाना कि अब लंका काम से निकल है। हनुमान जी ने उसे विदा ली और हनुमान जी भीतर पहुंचे। मसक समान रूप कपिधारी, मसक का अर्थ मच्छर नहीं होता है, मसक का अर्थ मच्छर नहीं होता। हनुमान जी मच्छर नहीं बने, बिल्ली का बच्चा जितना बड़ा होता है उतना बड़ा रूप हनुमान जी ने लिया और उतने से रूप को लेकर श्री हनुमान जी महाराज लंका में प्रविष्ट हुए। प्रविशी नगर की मंदिर विचित्र कहीं जात समान, सब मंदिरों में गए, सब मंदिर का अर्थ का होता था, मंदिर का अर्थ घर, सब घरों में हनुमान जी गए, सब राक्षस सोए हुए। राक्षसों का कार्य ही है सोना। रावण के यहां गए तो रावण भी सोया हुआ था और रावण हमारे आपके जैसा नहीं सोता था, 20 हाथ थे 10 सिर थे, ऐसा सोता था, बड़ा पलंग था उसका, ऐसा सोया हुआ था। उसको देखा हनुमान जी ने बोले यहां तो हमारी सीता जी नहीं है, खोज करते हैं। खोज करते 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 मंदिर महंता जी की नंबर दे, मंदिर महनदी की पैदे, सब जगह देख लिया हनुमान जी, किसी भी घर में श्री किशोरी जी नहीं दिखी। उसी समय हनुमान जी को एक दिव्य ग्रह दिखा। वो ग्रह कैसा था? रामायुध अंकित गृह शोभा परमिन जाए, रामायुध अंकित गृह शोभा परमिन जाए, नव तुलसी का वृंद हर्ष देख कपिराय, हर्ष देख कपिराय, रामायुध अंकित गृह। श्री हनुमान जी को जो घर दिखा वो घर ऐसा नहीं था हमारे आपके जैसा। घर कैसा था पता है? हनुमान जी किस घर में रहना पसंद करते हैं? जिस घर में ऊपर रामायुध हो, भगवान का तिलक लगा हो, शंख चक्र लगे हो, धनुष बाण लगे हो और ऊपर लिखा हो श्री राम जय राम जय जय राम, सामने तुलसी का वृंदावन हो, नव तुलसी का वृंद कहां,
हर्ष देख कपिराए। श्री हनुमान जी महाराज को ऐसा घर देखने से बहुत प्रसन्नता होती है, इसलिए हनुमान जी महाराज उस घर के पास गए तो राम राम ते ही सुमिरन कीना, राम राम ते सुमिरन कीना, राम राम ते ही सुमिरन कीना, राम राम ते सुमिरन कीना। भीतर से राम राम आवाज आई। हनुमान जी बोले ये अपने ही वाले हैं, पर यहाँ क्या कर रहे हैं? ब्राह्मण का रूप धारण करके हनुमान जी गए और आवाज लगाई, श्री राम जय राम जय जय राम। भीतर से विभीषण जी दौड़ कर आए, चरणों में प्रणाम किया और चरणों में प्रणाम करते बोले, हे ब्राह्मण देव, या तो आप श्री राम जी तो नहीं जो मेरी तपस्या पर संतुष्ट होकर मुझसे मिलने आ गए? हनुमान जी हाथ जोड़े बोले, भैया हमारा परिचय मत पूछो। बोले क्यों? प्रात नहीं जो नाम हमारा, प्रात नहीं जो नाम हमारा, देखिए हमारा प्रातः काल जो नाम लेता है मिले आहारा, उस दिन उसको आहार नहीं मिलता है। हमारा नाम मत पूछिए। बोलिए समझिए कि हम भगवान के दिव्य सेवक हैं और उनके कार्य के लिए यहाँ आए हुए हैं। विभीषण जी महाराज ने हाथ जोड़े और विभीषण जी महाराज बहुत बड़ा सिद्धांत यहाँ दे रहे हैं, बहुत अच्छा सिद्धांत, सभी को अपने हृदय में बसा लेना चाहिए, ऐसा सिद्धांत श्री विभीषण जी ने दे दिया।